मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका हुआ है आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ है पुलिस का कहना है कि यह एक छोटा धमाका था घटना की जांच जारी है पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी धमाके की रिपोर्ट मांगी है मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में धमाका हुआ है यह मामला सोमवार शाम साढ़े बजे हुआ हादसा इतना भयानक था कि पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट गए लोगों ने बताया कि इस विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी मौके पर एस एस समेत कई अधिकारी पहुंच गए इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है विस्फोट की घटना पंजाब खुफिया कार्यालय की तीसरी मंजिल पर हुई बताया जा रहा है कि रॉकेट चलने वाला ग्रेनेड इमारत की तीसरी मंजिल पर फेंका गया था विस्फोट के बाद इमारत के शीशे टूट गए चारों तरफ हाहाकार मच गया है फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है मोहाली एसपी पी रविंद्र पाल सिंह ने कहा है कि मामूली धमाका है हमला इमारत के बाहर से हुआ इसे रॉकेट टाइप फायर से किया गया है कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है हमारे वरिष्ठ अधिकारी और एफ टीम इसकी जाँच कर रही है, है। क्या आदमी की तकलीफ को तो समझो उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें डब्ल्यू